आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में ओमिक्रॉन के 422 केस, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 संक्रमित मिले, दिल्ली दूसरे नंबर पर। पीएम के बूस्टर डोज के फैसले पर बोले राहुल गांधी, सरकार ने मेरी बात मानकर सही फैसला लिया। ओमिक्रॉन के बीच झांसी में कांग्रेस की मैराथन में भीड़ का जमावड़ा, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। पीएम मोदी कल हिमाचल के मंडी में 11,000 करोड़ की हाइड्रो पावर परियोजना का करेंगे शिलान्यास। बद्रीनाथ में अचानक बर्फबारी, चाइना बॉर्डर पर बगैर बर्फ गिरे ही जम गया झरना। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वो देहरादून में गढ़वाल मंडल के सभी 41 विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे, साथ ही पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव में जीत का मंत्र भी देंगे। प्रदेश भाजपा से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा रविवार सुबह दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, इसके बाद वो सड़क मार्ग से देहरादून पहुंचेंगे। दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक वो राजपुर रोड स्थित एक होटल में गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ, जिला प्रभारियों, विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों के साथ और साथ ही विस्तारकों के साथ दो चरणों में बैठक करेंगे। बताया गया कि पहली बैठक उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग के पार्टी पदाधिकारियों के साथ होगी, वहीं दूसरी बैठक में हरिद्वार और देहरादून जिले के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान वो चुनावी तैयारियों को परखने के साथ ही फीडबैक भी लेंगे। देश में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रदेश सरकार की मुहिम को चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा केंद्र औली में होने वाले विंटर गेम्स में पंख लगेंगे। विंटर गेम्स के तहत 7 से 9 फरवरी तक औली की ढलानों में होने वाली नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। उधर चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों के साथ ही शीतकालीन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की तरफ भी पर्यटक आकर्षित होकर इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही शीतकालीन पर्यटन की दृष्टि से औली जैसे स्थानों पर भी फोकस किया गया है। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा केंद्र औली में 7 से 9 फरवरी तक विंटर गेम्स होने हैं। इसके तहत औली की ढलानों पर राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। चैंपियनशिप में विश्व प्रदेशों के ज्यादा स्कीयर्स भाग लेंगे और संभावना जताई जा रही है कि औली की ढलानों पर कृत्रिम बर्फ बनाने वाली सभी मशीनें दुरुस्त हो गई हैं और स्कीइंग लिफ्ट की मरम्मत भी शुरू कर दी गई है, साथ ही खिलाड़ियों के रहने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। खबर कलियर से है, जहां नासन बॉर्डर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्वागत करने के लिए विधानसभा ज्वालापुर से टिकट की दावेदारी कर रहे भूप सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान भूप सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली से नासन बॉर्डर पर आ रहे हैं, जिनका स्वागत करने सभी कांग्रेसी पहुंचे हैं और आगे उन्होंने कहा कि हाईकमान ने यह तय कर दिया है कि आगामी चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हरिद्वार में प्राइम टीवी चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचारियों की फाइल को सचिवालय भेजने के बजाय मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा, जबकि पीड़ित शिकायतकर्ता महिला ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर भ्रष्टाचारियों की मदद करने के आरोप लगाए हैं।
इस दौरान पूर्व प्रबंधक ने शिकायत में कहा कि फरवरी 2015 में सरकार डॉक्टर बीआर अंबेडकर कॉलेज में अनुदान किया था। इस अनुदान में फर्जी तरीके से उनके दस्तावेज प्रयोग किए गए हैं, इसी कारण उनको शिक्षकों की नियुक्ति करने और फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में जेल जाना पड़ा, जबकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि सीएम के आवेदन के बावजूद भी शिक्षा मंत्री ने उस फाइल को दबा के रखा हुआ था। वही खबर बाजपुर से है, जहां पर रेहटा में ढाबे पर अवैध खनन को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग होने से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना मिलने पर सीओ वंदना वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये घटना ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दो पक्षों के बीच जो ये खनन का जो ट्रक आ रहे थे, इसको रोकने को लेकर और ले जाने को लेकर इनमें झगड़ा हुआ और उसी में विवाद हुआ। इसमें एक पक्ष विक्रमजीत सिंह है, दूसरा पक्ष जो है कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह है। तो कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह ने बताया कि जब हमारी गाड़ियां आ रही थी जो बेल पड़ाव की तरफ से आ रही थी, तो विक्रमजीत सिंह और बाकी लोगों ने उनको वहाँ पर रोका और वो जो ट्रकों में सामान था, जो भी वो आरबीएम था, उसको अपने प्लॉट में खाली करवाने को कहा। इस पर जो है देवेंद्र जो उनका ड्राइवर था, उसने उनको फ़ोन किया और कहा कि ये यहाँ पर हमको रोक रहे हैं। इस पर कृपाल सिंह वहाँ पर आए और उनका आरोप है कि दूसरे पक्ष ने उन पर गाड़ी पर फायरिंग करी। इस पर तहरीर लेकर थाना बाजपुर में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें टीमें निकाल दी, इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। और ये ताकत से अपना काम चलाते हैं और जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हैं, जो किस्तें दे रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ सब खड़ी हैं, ये ज़बरदस्ती करते हैं। बाहुबली हैं लोग, पैसा दे के ज़बरदस्ती सरकार से भी मिले हुए हैं और ये अपना काम करते हैं। और कल जो हुआ है, मेरे क्रैशर पे मेरा बेटा वहाँ था, उसके ऊपर इन लोगों ने आगे ताबड़तोड़ फायरिंग करी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिसात बिछ चुकी है। हर राजनीतिक विचारधारा के प्रतिनिधि जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के जरिए विकास नगर के हेरिटेज डिस वेंडिंग स्थल पर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया पहुंचे। उनके साथ आप नेता, पूर्व उत्तराखंड पुलिस के आईजी अंतराम चौहान और विकास नगर विधानसभा प्रभारी प्रवीण बंसल, देहरादून जिलाध्यक्ष गुरु मेल सिंह, वरिष्ठ सपा नेता मौजूद रहे। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद मिला तो दिल्ली की तर्ज पर सारी सुविधाएं उत्तराखंड में लागू कर दी जाएंगी। साथ ही प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री, 6 महीने में 1,00,000 नौकरी, 5,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आप नेताओं ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड में बारी बारी से राज किया है, इन दोनों पार्टियों को उत्तराखंड दुधारू गाय साबित सिद्ध हुई है। कि हमारे जो वायदे हैं, जो हमारी गारंटीज हैं, हम उनके ऊपर काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये पांच ऐसे बेसिक इशू हैं जिन पर हम सबसे पहले काम करना चाहते हैं। देखिए, हमने हमेशा से कहा है कि इस जो प्रदेश दो राजधानी का बोझ क्यों झेले, एक प्रदेश एक राजधानी, और स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल हम क्लियर हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक बोल रहे हैं, इस प्रदेश पे आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए दो दो राजधानी का। पौड़ी में निर्वाचन 2022 को जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सफल संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के मार्गदर्शन में मीडिया कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान अपर जिलाधिकारी इलागिरी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया कार्यशाला में अनुश्रवण समिति और पेड न्यूज जैसे कई विषयों पर जानकारी दी। कार्यशाला आयोजित की गई आयोग के निर्देशानुसार आज में, जिसमें सारे मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसमें एमसीएमसी के गठन के बारे में, एमसीएमसी के क्या कार्य हैं और क्या उनके द्वारा किस प्रकार से प्रक्रिया की जाएगी, इन सब के बारे में बताया गया। न्यूज़ के मामले हैं या जो भी एमसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो उल्लंघन के मामले हैं, उन सब के मामलों में एमसीएमसी की पूरी निगरानी रहेगी।
कलियर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में नववर्ष शुभकामनाओं के होल्डिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब एक पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कलियर थाने में बाजूहेड़ी निवासी संदीप कश्यप ने तहरीर देकर बताया कि वो कांग्रेस समर्थित है और अपने निजी आवास पर कांग्रेस नेताओं के फोटो वाला एक होल्डिंग लगाया जिसमें नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई थी। आरोप लगाकर कि 24 दिसंबर की शाम पड़ोस के कुछ लोगों ने जो कि भाजपा समर्थित हैं उन्होंने होल्डिंग लगाने का विरोध किया है और होल्डिंग फाड़ने की धमकी दी। संदीप का आरोप है कि होल्डिंग को फाड़ने के साथ ही कालिक से पोत दिया गया। वहीं संदीप ने तहरीर में अपने और अपने परिवार को जानमाल का खतरा बताते हुए दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। थराली देवाल वाड़ मुंदोली मोटर पर लोहक जंग बाजार में ही डंफर दुर्घटना के बाद अभी लोहागंज बाजार में लोक निर्माण विभाग की ओर से जानकारी दी गई थी कि वहीं अब टूटी हुई और छोड़ी हुई सड़कों के कारण हादसा हो गया। एक टैक्सी वाहन सड़क से नीचे गिर गया। लोगों ने बताया कि इसी जगह पर कुछ समय पहले भी एक ट्रॉला वाहन नीचे गिर चुका है। इसी के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी ने यहां पर टूटे हुए पुराने पुस्ते को ठीक नहीं किया है। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान टैक्सी से कूदकर खुद को सुरक्षित बचाया गया। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां की खस्ताहाल सड़क पर लगातार मोटर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं लेकिन इसके लिए जिम्मेदार संस्थाएं आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है। अब एक टेम्पो खड़ा था यहाँ पर, टेम्पो खड़ा था ऊपर से वो एक पत्थर लगा तो थोड़ा सा गाड़ी बाहर निकाली। अब वो रोड जो ऐसी थी कि गाड़ी ये है गाड़ी का वो तो फंस गया, हमारी जान बच गई। हम दो तीन ट्रैकर थे वो बेचारे भी चले गए। ये है गाड़ी भाई साहब, ये आप दिखाओ जो भी दिखाते हो। जी आपको पता ही था ऊपर से लेंटर था उसमें, रोड अच्छी दिख रही थी। हम तो अपने हिसाब से गए लेकिन पता चला कि पूरा लेंटर टूट गया। देखो ये लेंटर टूट गया। देखो आप ये है लेंटर का हाल, ये है गाड़ी का हाल। ये क्या हाल है, क्या हो रहा है, ये बीजेपी है सरकार है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।